दिल्ली में आयोजित यूथ गुरु गोविंद फुटबॉल लीग मैच अंडर 12 में भारत झारखंड की बालिका टीम दिल्ली में हावी रही। वहीं बालक टीम कड़े मुकाबले में 1-0 से हारकर उपविजेता बना। लीग मैच में झारखंड की बालक बालिका टीम लगातार शानदार प्रदर्शन कर जीत का परचम लहरा रही। गुमला के विशुनपुर के स्वामी विवेकानंद स्कूल की टीम ने दिल्ली में आयोजित लीग मैच में शानदार जीत हासिल कर एक नया इतिहास कायम किया है। बेस्ट प्लेयर ओवरऑल द मैच देवंती उराव और संजना उराव को, वहीं ऑल ओवर हाई स्कोरर जागृति उराव को सम्मानित किया गया। इस लीग मैच में कुल 8 टीम बालक और 8 बालिका टीम ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। दिल्ली में आयोजित यूथ गुरु गोविंद फुटबॉल लीग मैच अंडर 12 में भारत झारखंड की बालिका टीम दिल्ली में हावी रही। वहीं बालक टीम कड़े मुकाबले में 1-0 से हारकर उपविजेता बना। लीग मैच में झारखंड की बालक बालिका टीम लगातार शानदार प्रदर्शन कर जीत का परचम लहरा रही। गुमला के विशुनपुर के स्वामी विवेकानंद स्कूल की टीम ने दिल्ली में आयोजित लीग मैच में शानदार जीत हासिल कर एक नया इतिहास कायम किया है। बेस्ट प्लेयर ओवरऑल द मैच देवंती उराव और संजना उराव को, वहीं ऑल ओवर हाई स्कोरर जागृति उराव को सम्मानित किया गया। इस लीग मैच में कुल 8 टीम बालक और 8 बालिका टीम ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। टीम ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। Come on, big round of applause.